अगर आप म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में पूरी इंडस्ट्री के जो 10 सबसे बेस्ट फंड है उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। अब देखिए, इस 10 फंड को चुनने के लिए हमने एक पैमाना लिया और उसको कहते हैं बेंचमार्क। देखिए, बेंचमार्क का सीधा सा मतलब ये होता है जो बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न देता है लगातार कई सालों तक, अपन उसे अच्छा म्यूचुअल फंड कहते हैं। और जो लगातार कई सालों से बेंचमार्क को रिटर्न अच्छी नहीं देता, बेंचमार्क से कम देता है, तो उसे अपन बेकार म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो अपन ने जो बेंचमार्क से 10 सालों में जो सबसे अच्छे रिटर्न दिए हैं उनके बारे में आज अपन बात करेंगे। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप सारी चीजें लिया हूं, तो चलिए एक एक करके अपन सारी चीजें जानते हैं। अब देखिए, अगर किसी ने आज से 10 साल पहले इसमें 1,00,000 रुपए लगाकर छोड़ दिया होता तो उसका पैसा कितना बन जाता, ये सारी चीजें अपन इसके बेस पर कैलकुलेट करेंगे, रिटर्न के बेस पे। तो चलिए देखिए, हमारा इस कैटेगरी का सबसे पहला फंड आता है लार्ज कैप कैटेगरी का, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। पिछले 10 सालों के रिटर्न की बात करें तो 10 सालों में इसने रिटर्न दिया है 17.39%, बहुत अच्छे रिटर्न है लार्ज कैप कैटेगरी में। 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 5 साल में 14.93% का रिटर्न दिया है। अगर किसी ने 1,00,000 लगाकर छोड़ दिया होता तो 10 साल बाद उसके पैसे बन जाते 5,00,000 के आसपास, मतलब कि 4,97,000। अब देखिए, इसी कैटेगरी का दूसरा फंड आता है मिराय एसेट लार्ज कैप फंड। अब देखिए, पिछले 10 साल के रिटर्न की बात करें तो 10 साल का इसका रिटर्न है 17.24%, और ये बहुत अच्छे रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो 12.91% रिटर्न, काफी अच्छे रिटर्न है। अगर इसमें आपने 1,00,000 डाल के छोड़ दिया होता तो अभी आपका पैसा 4,91,000 रुपए हो जाती। अब देखिए, मिड कैप कैटेगरी की बात करें तो मिड कैप कैटेगरी का कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, ये बहुत अच्छा फंड है, अपनी कैटेगरी का बेस्ट फंड है, 10 सालों में सबसे अच्छे रिटर्न दिया है। इसके 10 साल के रिटर्न है 23.88% की रिटर्न, पिछले 5 सालों का रिटर्न है 20.38% की रिटर्न। अगर आपने इसमें 1,00,000 डालकर छोड़ दिया होता तो अभी आपका पैसा बन जाता 6,39,000 रुपए। अब देखिए, हमारा चौथा फंड आता है HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। अब पिछले 10 साल के रिटर्न की बात करें तो 10 साल के रिटर्न है इसके 22.86%, अपनी कैटेगरी का दूसरा सबसे बेस्ट फंड पिछले 10 सालों के हिसाब का। 5 साल के हिसाब की बात करें तो 20.18% रिटर्न दिया है। अगर आपने इसमें 1,00,000 डालकर छोड़ दिया होता तो आपका टोटल पैसा बन जाता 6,24,000 रुपए। अब देखिए, हमारी तीसरी कैटेगरी आती है स्मॉल कैप फंड। अब देखिए, स्मॉल कैप फंड में एक फंड है जो सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अगर पिछले 10 साल की रिटर्न की बात करें तो 29.73% रिटर्न दिया, और ये बहुत अच्छे रिटर्न है, बहुत ज्यादा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, स्मॉल कैप फंड बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं और बहुत ज्यादा रिटर्न देते हैं, तो जब आप इस चीज में इन्वेस्ट करने के लायक हो तभी आप इसमें इन्वेस्ट करिएगा, मतलब कि रिस्क सहने के लायक, इसी कारण मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। अब देखिए, 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 5 साल का रिटर्न है 24.77% रिटर्न। अगर आपने इसमें 1,00,000 लगाकर छोड़ दिया होता तो 10 साल में आपका पैसा 13,50,000 रुपए बन जाता, बहुत पैसा बनता है इसमें, लेकिन रिस्क भी उतना ही रहता है। इसी कैटेगरी का दूसरा फंड है SBI स्मॉल कैप फंड। पिछले 10 साल के रिटर्न की बात करें तो 27.10% रिटर्न, बहुत अच्छे रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 5 साल के रिटर्न है 21.38% रिटर्न, और ये काफी अच्छे रिटर्न है। अगर आपने इसमें 1,00,000 डालकर छोड़ दिया होता तो आपका पैसा बन जाता 11,00,000 रुपए, ये बहुत अच्छा अमाउंट है। अब देखिए, मल्टी कैप कैटेगरी के दो फंड देखते हैं जिसने पिछले 10 सालों में सबसे अच्छे रिटर्न दिया है। पहले नंबर पर है क्वांट का एक्टिव फंड, 10 सालों का रिटर्न है इसका 23.57%, इसके 5 सालों का रिटर्न है 23.50% रिटर्न, और ये बहुत अच्छे रिटर्न है। अगर आपने इसमें 1,00,000 लगाकर छोड़ दिया होता तो आज आपका पैसा बन चुका होता 8,30,000 रुपए, और ये बहुत अच्छा अमाउंट है। देखिए, हमारा इसी कैटेगरी का दूसरा फंड आता है इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड। इसने अपनी कैटेगरी में दूसरा सबसे अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के रिटर्न के हिसाब से, दूसरा फंड है। अब देखिए, 10 साल का रिटर्न है इसका 19.27% रिटर्न, 5 सालों का रिटर्न है इसका 14.83% रिटर्न, और अगर आपने इसमें 1,00,000 डालकर छोड़ दिया होता तो आपका पैसा बन जाता 5,83,000 रुपए, और ये काफी ज्यादा अमाउंट बन जाता है। अब अपन बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड की। देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड में अपनी कैटेगरी के सबसे बेस्ट फंड है, दो फंड है जिसने कि बहुत अच्छे रिटर्न दिए। पहला इसमें क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड, जिसने कि पिछले 10 सालों के रिटर्न के हिसाब से 23.81% रिटर्न दिए, और काफी अच्छे रिटर्न है। 5 सालों की बात करें तो 22.95% करीबन 23% के रिटर्न, 1,00,000 डालकर छोड़ दिया होता तो आपका पैसा बन जाता 8,46,000 रुपए। अब देखिए, दसवां फंड आता है इसी कैटेगरी का, मतलब कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का दूसरा फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। काफी अच्छा फंड है, काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं, रिस्क कम लेता है, रिटर्न अच्छे देता है। 10 सालों में 19.16% रिटर्न, 5 सालों में 19.02% रिटर्न। अगर आपने इसमें 1,00,000 डालकर छोड़ दिया होता तो अभी आपका पैसा होता 5,77,000 रुपए। अब देखिए, इसको बिल्कुल सोचकर बिल्कुल ऐसा खुश मत हो जाइएगा कि इतना रिटर्न मिला है तो आगे चलकर भी इतना रिटर्न मिलेगा। देखिए, कभी भी पास्ट रिटर्न ये गारंटी नहीं देते कि आगे चलकर भी इतने ज्यादा रिटर्न मिले, बस हम इसको अंदाजा लगा सकते हैं। हो सकता है इससे और भी ज्यादा रिटर्न मिले या और भी कम रिटर्न मिले,
लेकिन देखिए मैंने ये सारी बातें सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बताई है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो खुद का सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करिएगा। अब देखिए ये सारी चीजों का ना एक बोनस टिप देते जाता हूं मैं आपको कि इन सारे फंड में एक ही फंड में आप पूरा पैसा मत डालिएगा। लार्ज कैप फंड, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, सारी चीजें को अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से देखकर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइएगा। फिर उसमें लंबे समय में इन्वेस्टमेंट करिएगा जिससे कि मार्केट की गिरावट में आपका फंड कम गिरेगा और जब रिकवर करेगा, बहुत जल्दी रिकवर करेगा, आप लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छा पैसा बनाओगे। चलिए चलते हैं, लेकिन देखिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। धन्यवाद।